हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एलोपैथी चैनल। एज यू नो मैं हूं वक्ता और मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूं, जी हां, आपके सर्दी जुकाम के घरेलू उपाय। आप ये उपाय एक तरह से होम रेमेडी है, इसके साथ साथ आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। आप सभी अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाएं। जी हाँ, गर्म पानी पिएं, गर्म दूध पिएं और ऐसे सामानों को खाएं, ऐसे चीज़ों का सेवन करें जिनसे आपका पाचन तंत्र के साथ साथ आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत हो जाए। जी हाँ, जैसे च्यवनप्राश है और भी बहुत सी, हमारी किचन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उन्हीं के द्वारा मैंने भी ये काढ़ा तैयार किया है आज और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको सर्दी जुकाम तो दूर करे ही, साथ साथ आपके अंदर एक पावर का एहसास कराए। जी हाँ, काढ़ा, हर्बल टी या फिर गोल्डन दूध, इन सब के प्रयोग से आप अपना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। श्वसन संबंधी विशेष जो है, ये एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आपके सांसों संबंधी जो भी छोटी छोटी परेशानियाँ हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सौंठ, आपको मैं ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करती रहूँगी और आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। ये नुस्खा मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपको वास्तव में आपके घर से किसी को ज़बरदस्त छींके आ रही हैं, खांस रहे हैं, आप इसको पीजिए, आपको आराम लगेगा। इसकी सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब ये दालचीनी देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये देखिए, ये पीसी हुई दालचीनी है। आप अगर एक लीटर पानी में ये सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे मैंने इसमें आधा टीस्पून दालचीनी लिया है, आप इसकी इच्छा अनुसार जितना आपको बनाना है पानी के अकॉर्डिंग आप इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। फिर ये देखेंगे आप लौंग, जी हाँ, ये सब हमारे किचन में होता है। जी हाँ, सारी चीज़ें हमारे किचन से हैं, बाहर से कुछ भी नहीं है। ये है गिलोय, गिलोय की आप स्टिक ले लीजिए और उन्हें जो है इस तरह से कूट लीजिए, कूट कर आप इनको पानी के अंदर डालिए। अब जितनी मात्रा आप काढ़े की बनाएंगे, जी हाँ, उसी हिसाब से इसमें डालिएगा। इस तरह से इनको कूट लीजिएगा तो ये इससे जो है ना उसका अर्क आ जाएगा। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब ये है जावित्री, जावित्री है, जावित्री भी इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कारगर होती है और अधिकतर सर्दी जुकाम में बहुत फायदेमंद होती है। अब ये है केसर, जो आप देख रहे हैं स्पून के अंदर, ये केसर है। केसर आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके अंदर एक विल पावर डेवलप करेगी जिससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसका सेवन करने के बाद आपको एहसास होगा कि आप खुद ही इसको पीने के बाद महसूस करेंगे कि हाँ, नहीं, मैं स्वयं इतना मजबूत हूँ कि मैं बीमारी को भगाने की क्षमता रखता हूँ। खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से मैं हारने वाला नहीं हूँ। आपको खुद ऐसा लगेगा इसको पीने के बाद, क्योंकि केसर जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ हम शुरू से ही ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। जी हाँ, कमजोरी के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बड़े वैद्य हकीमों ने इसका जिक्र अपने नुस्खों में किया है। केसर जो है कई तरह के खास तत्वों से, जी हाँ, भरपूर है। केसर में आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, फाइबर, जी हाँ, और ये पेट संबंधी समस्या जैसे एक अपच है, गैस है, मोटापे से निजात दिलाने में भी काम कर सकता है। और आपको विटामिन सी, ये त्वचा के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। केसर में आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है और इससे जो है अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इससे एनीमिया से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ, केसर में मौजूद कैरोटीनॉइड सकारात्मक रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है। ये इसमें अध्ययन, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, इसमें कहते हैं प्रतिदिन 100 मिलीग्राम केसर बिना किसी हानिकारक प्रभाव के अस्थायी, जी हाँ, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जी हाँ, और आपकी गतिविधि में आपको सहायता करता है। सांस संबंधी तकलीफों के लिए भी केसर का उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा में केसर के उपयोग का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस पर अभी और भी ज़्यादा शोध चल रहे हैं। इसे वैसे तो इम्यूनिटी पावर के लिए बढ़ाने के लिए, आयरन को बढ़ाने के लिए, अपने शक्तिशाली होने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है, बूस्ट होती है। के
प्रभाव से आपको पीपली बचा सकती है। पीपली में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं जिसके कारण यह टीपी जी हाँ टीबी तपेदिक और अन्य संक्रमण रोगों में चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत ही लाभदायक है। पीपली फेफड़ों की शक्ति में सुधार करने के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यह भूख को बेहतर बनाती है। यह तपेदिक और उसके उपचार के दौरान वजन कम होने के नुकसान से भी आपको बचाने में मदद करती है। यह तपेदिक उपचार के इस्तेमाल दवाओं में असर होने वाली जिगर की क्षति से भी बचाती है। पीपली अनेक आयुर्वेद और आधुनिक दवाओं में भी अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ा देती है। जी हाँ, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है। फ्लू के शिकार हैं तो आप दो पीपली लें, उन्हें अच्छे से कूट लें, उसके साथ ही सौंठ भी ले लें, सौंठ कम से कम एक चौथाई। जी हाँ, और इसे उबाल कर आप दूध में भी पी सकते हैं। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा या फ्लू के लक्षण दिखें तो आप इस तरह से फ्लू अकेली जो है पीपली का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपको फ्लू से बचाने में सहायता करेगी। गिलोय जो आप देख रहे हैं, गिलोय के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब देखिए, गिलोय जो है ज्वरनाशक कहा गया है और ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है, आपके डायबिटीज़ में भी फायदेमंद है और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है और सर्दी खांसी को भी दूर भगाने में आपकी मदद करता है। आयुर्वेद के हिसाब से गिलोय जो है आपके रसायन यानी ताजगी लाने वाले तत्व के रूप में कार्य करता है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार आता है और शरीर में अति आवश्यक जी हाँ सफेद सेल्स की कार्य क्षमता करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। यह शरीर के भीतर सफाई करके आपके लीवर किडनी को कार्य रूप को सुचारू बनाता है और बैक्टीरिया जनित रोगों से आपको सुरक्षित रखता है एक तरह से। ये बात करते हैं जावित्री के बारे में। मौसम बदलने से सर्दी जुकाम बुखार समस्या ये सब आम बात है। जी हाँ, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, इससे अच्छा है आप कोई घरेलू उपचार लीजिए। इस जावित्री एक अच्छा ही घरेलू उपचार है। इसे कई वर्षों से घरेलू मसालों के उपयोग मिलाने के साथ साथ इसके एंटी एलर्जिक और एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दी जुकाम जैसी एलर्जिक समस्याओं से आपको बचाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को भी जावित्री जायफल चटाने के लिए दिया जाता है जब उन्हें सर्दी लग जाती है, तो जायफल का कवर ही होती है ये जावित्री। जी हाँ, जो जुखाम सर्दी खांसी में बहुत ही फायदेमंद होता है। हम बात कर रहे हैं सर्दी जुखाम खांसी की, ये बहुत ही पौष्टिक तत्वों में से एक मानी जाती है जावित्री। मैंने इससे पहले खाली जावित्री का भी एक वीडियो डाला है, अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा जावित्री वाला वीडियो देख सकते हैं। लौंग वैसे भी कफ निकालने के लिए उपयोग की जाती है, आप इसको वैसे भी पानी के साथ गर्म करके और खाली लौंग भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारा मिक्स किया है। जैसे लगातार छींकें आ रही हैं, आजकल मौसम बदल रहा है, तो उस सब के लिए मैंने ये मिलाकर ये काढ़ा के बनाया है और सच मानिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये मेरा उपयोग किया गया काढ़ा है। इससे अगर आपको सच में ही बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, जुकाम हो रहा है, आप खांस रहे हैं, तो प्लीज़ इस काढ़े को बनाकर पीजिए, भरोसा कीजिए। चीज़ें मैंने बड़े उससे ऐड की है, जैसे छोटी पीपली है, लौंग है, इन सबको आप चाहे तो आप इनको कोट लें या फिर ऐसे ही साबुत ही डालकर इसे उबालें। जी हाँ, इसे उबालें और उबाल कर जो है इतना उबालें कि इसका असर इसमें से निकल जाए, आप देखेंगे वाटर में कलर आ रहा है। ये सिर्फ सिंपल पानी है लेकिन इन सब चीज़ों के इसमें डालने से इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। इसमें गोल्डन कलर आया हुआ है जो कि केसर मैंने डाली है उस वजह से आया हुआ। अब ये देख रहे हैं आप बड़ी इलायची, बड़ी इलायची सर्दी जुकाम खांसी में ये सौंठ है, आप सौंठ देख रहे हैं। इन चीज़ों को हम अक्सर अपने घरों में यूज़ करते रहते हैं हमेशा। जी हाँ, इलायची जो है हमारी सांस संबंधी समस्याओं को दूर रखने में मददगार साबित होती है। विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए बड़ी इलायची का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है और ये मुंह से आने वाली दुर्गंध में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी और पोटेशियम से गुणों से भरपूर है। ये सभी तत्व शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करते हैं और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, एरोमा युक्त मसालों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये त्वचा की देखभाल करते हैं आपकी, यानी जो है सांस लेने संबंधी बीमारियों को दूर रखने में बड़ी मददगार साबित होती है। अगर आपको अस्थमा है, फेफड़े में संकुचन जैसी कोई समस्या है, तो बड़ी इलायची का सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो सर्दी खांसी में भी इसका इस्तेमाल करना बहुत ही असरकारक होता है। आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए भी बड़ी कारगर औषधि के रूप में कार्य करती है।
ये विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देती है शरीर से जिनकी जरूरत नहीं है। इलायची में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको कैंसर के खतरे से दूर रखने में सहायक होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को विकसित नहीं होने देते। अब दालचीनी के बारे में जानते हैं। सर्दी खांसी हो, गले की तकलीफ हो, दालचीनी बेहद असरकारक दवा के रूप में कार्य करती है। इसे पीसकर एक चम्मच शहद के साथ भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस काढ़े में इनका सारी चीज़ों का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि इस काढ़े को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था। जी हाँ, ताकि मैं ये तो नहीं कह सकती जो महामारी चल रही है उसमें ये काम आएगा, पर हाँ आपकी सर्दी जुकाम में उपयोग में ये असर करता है। जी हाँ, अगर आपको जुकाम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, साफ भी नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप इस काढ़े को बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग है काढ़ा, तो हाँ ये काढ़ा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी चीज़ों का उपयोग किया है जो हमारी सेहत के लिए, हमारी सांसों के लिए, गले के लिए, फेफड़ों के लिए, यहाँ तक कि जो है जुकाम खांसी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है ये सारी चीज़ें। क्योंकि सर्दी जुकाम होता है तो सर दर्द भी होता है, ये उसमें भी बहुत असरकारक है। आप सर दर्द में दालचीनी, केवल अकेली दालचीनी लेकर उसका सर पे लेप भी कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस काढ़े को पीजिए। सच कहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होगी आपकी। ये होम रेमेडी है, मेरे घर में यूज़ की हुई है मैंने, मैं खुद भी ले रही हूँ। जी हाँ, और मैं यही कहूँगी आपसे कि आप भरोसा रखिए। अगर आपको खांसी जुकाम है, छींक रहे हैं आप, मैं यही नहीं कह सकती हूँ कि जिस तरह की मौसम बदल रहा है इसमें ये काढ़ा बहुत ही वर्क करता है। हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, पूरा देश लगभग बंद है। भारत वर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया में अन्य देशों में भी कर्फ्यू और लॉकडाउन है। ऐसे में हम इतना ध्यान रखें कि जो ज़रूरी चीज़ों के लिए हमारी दुकानें खुली हैं, हम जाकर सुरक्षितता से खरीदारी करके सुरक्षित तरीका अपनाएं। महामारी के दौर में सामान घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सी बातों का हम ध्यान करके इस खतरे से बच सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। ये वायरल आदमी के संपर्क से आने से फैलता है। जो कोई खांसता है, छींकता है, तो जिसको अगर खांसी या छींक आ रही हो तो अपने मुंह पर रुमाल रखिए, अपने मुंह को कवर कीजिए, दूसरों को संक्रमित मत कीजिए, इस खतरे को, इस संक्रमण को मत फैलाइए। ऐसी चीज़ों की खरीदारी मत कीजिए जहां पर आप लोग भीड़ में इकट्ठा होना पड़े। हो सकता है आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। जी हाँ, डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है, और लोगों एक दूसरे के कम से कम मिलें, कम से कम 2 मीटर की दूरी या 6 फीट की दूरी अवश्य रखें। विशेषज्ञों की जो भी राय है उसके नियमों का आप पालन करें। कोरोना वायरस संक्रमण एक दिन जाएगा, हिंदुस्तान इसे हराएगा। WHO क्या हमारा हिंदुस्तानी है ही इतना मजबूत? इम्यूनिटी पावर हम लोगों की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम खुद इसे भगाएंगे एक दिन। ये जहाँ से आया है वहीं जाएगा। अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अपने हाथों को कम से कम साबुन से 20 सेकंड तक धोइए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ख़रीदारी करने से पहले और आने के बाद अपने हाथों को साफ ज़रूर करें। ये पक्के तौर पर ध्यान रखें कि आपने अपने हाथों को धोकर सुरक्षित किया है, कोई भी जगह टच तो नहीं किया है, अपने घर में किसी भी सामान को हाथ तो नहीं लगाया है। अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आप अपने सामान को भी सैनिटाइज ज़रूर करें। अगर आप सब्जी खरीद कर लाए हैं तो उसे गर्म पानी में धोएं। अगर आलू प्याज है तो उसे थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दें, क्योंकि गर्मी से ये संक्रमण जो है भाग जाता है, हट जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपको थोड़ा सा भी लगता है कि उसका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी जाँच जरूर कराएँ। इस फ्लू से, इस महामारी से बचने के लिए सब अपना अपना योगदान दें, ताकि किसी भी रूप से हम किसी और को ये बीमारी ना दें। जी हाँ, अगर आप फल सब्जी मंगा रहे हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये सब्जियाँ फल कहाँ से मंगाई गई हैं। इनको गर्म पानी से अच्छी तरह से धोइए और साफ सूखने के लिए रख दीजिए कपड़े पर या पेपर पर। अखबार की जो इंक होती है वो ऑलरेडी जो है उसमें एक ऐसी इंक यूज होती है जो कोई वो अपने आप ही जो है ख़त्म कर देती है छोटे मोटे कीड़ों को। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीज़ ऐसा लग रहा है आपको भी सब्जी को धोने के बाद सुखाएं, अखबार के ऊपर रखें थोड़ी देर के लिए, हो सकता है तो आप धूप में रखें, ताकि आप जर्म फ्री होकर आप सेफ्टी के साथ रह सकें
और अपने परिवार को और अपनी सुरक्षा को बेहतर बना सके। कोरोना वायरस को भगाने के लिए आपको इस समय ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकें, डेवलप कर सकें, बढ़ा सकें। जी हाँ, आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। ऐसे फलों का सेवन करें, आप ज़्यादातर दालों का सेवन करें। अगर आपके ऐसी जगह से सब्जी आपके यहाँ आ रही हैं जो नहीं खाने लायक है, हाइजीनिक नहीं है, तो आप उनका सेवन ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा दालों का यूज़ करें और किसी के भी संपर्क में आने से बचें। जी हाँ, आज पूरे विश्व की बहुत बुरी हालत है। कोरोना वायरस का खतरा तेज़ी से फैल रहा है, यही कहा है WHO ने। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि हम हिंदुस्तानी इसे मात दे सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू।